हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है लाठर फैमिली में। आज दादी दादा आ गए, बहुत दिन हो गए, और आज मैं वैसे खुल गई। बाबू तो एक और नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है लाठर फैमिली में। तो आज मैं दिखाती हूँ कि आज हमने खाने का क्या बनाया है। मेरे सास ससुर ने खाना खा लिया है, अभी मैं खाना लेके बैठी हूँ। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि मैंने आज सुबह सुबह क्या बनाया था। बच्चों के लिए मैंने पोहा बनाया था और दूध और ब्रेड दिए थे नाश्ते में, और फिर वो लेके चले गए पोहा स्कूल में। और अभी घर का जो है ना सारा काम हो चुका है। सास ने झाड़ू निकाल दी थी और मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था। पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर फिर भी मैंने पोछा लगा दिया था। और मेरी सास ने दी मेरे को अंगूठी क्योंकि उसको ना लूज़ हो रही थी। और अभी वो क्या कर रही है, माँ क्या कर रहा है, बर्तन मैं इकट्ठे धो लूँगी, बर्तन धो रही है वो। उन्होंने जो खाना कहा था, और अभी मैं दिखाती हूँ कि खाने में क्या क्या बना है। ये देखिए, ये बनी है मिक्स वेज सब्जी, और इसमें मैंने डाला है बहुत ज़्यादा टिंडी घी। देखो कितनी अच्छी है। और ये मेरी टिंडी घी से चुपड़ी हुई रोटियाँ, एक दो और तीन। और ये है सीत लस्सी, छाछ जिसे बोलते हैं, इसमें जीरा डाला है और नमक डाला। और ये है मेथी की चटनी। तो ये है आज का मेरा पूरा का पूरा खाना, ठीक है। तो अभी मैं जो है खाना खा रही हूँ, तो बने रहिए हमारे चैनल पर आखिर तक, और देखिए हम दिन भर क्या क्या करते हैं। आखिर तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आज जो है मैं मेरी सास के साथ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, अगर उसने बोला तो। पर वो बोल रही है कि तेरा पैर दुख रहा है, आज मत कर, कल या परसों करती है, क्योंकि कल वो सिर धोएगी उसके बाद करूँगी। और आज थोड़ा सा पैर को आराम दे देती हूँ, क्योंकि चोट ना अंदर तक लगी हुई है, और सोई आ गई थी इस पर रात ने। मैंने उसने बोला कि गाँव में बोला करें टिकड़ा बांध ले, कच्ची रोटी एक तरफ थे एक तरफ तो पकी हुई, और उस पर ना हल्दी और सरसों का तेल डाल के और कपड़े के साथ मैंने यहाँ पे बांध दिया था पूरी रात भर टाइट सा। अभी कुछ थोड़ा सा आराम है कल के उसमें, कल तो बिल्कुल ही पैर दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा था, आज थोड़ा सा आराम है। और आज हम सारे के सारे पार्क में भी नहीं गए क्योंकि मेरे को चोट लग गई थी, और मम्मी भी नहीं गई कि इस तरह उठा नहीं जाएगा, तो वो भी सो गई थी। और घर की देखो बिल्कुल साफ़ सफाई कर दी है हमने, झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम हो चुका है, बस अब खाना है। और नहा तो लिए थे सारे के सारे, और थोड़ी देर आराम करूँगी और बाद में कुछ काम करूँगी, तो बने रहे। तो मेरी सास है ना, मेरी सासू ने एक सूट ठीक कराया है, उसकी बाण ने दिया था। अरे वह पैर का देखा हुआ है, इतनी सलवार इसने छटाई करा ली है कि मेरी बेबे तीसरे छाट का लेके आई है सलवार ने। अरे भी नुका है भर तो नहीं है यह सलवार जितनी कली थी ना, आते थे भी कम छोटी कली, तो इससे भी लंबी थी। यो सूट है पिछन हो ये माँ, माँ ए माँ पिछन हो ये री ले ईब घूम जा, ये तो सलवार भी ठीक होगी, घूम जा ईब एक बार देख कोने ईब तक कती जमाल भी कर दी। पहले तो मेरे ख्याल में मौसी ने ना 3x4 मीटर की शमा रखी थी किधर, यह थी सलवार 3.5 मीटर की, 3.5 मीटर की थी या तो देखो ओड सासू तो वीडियो में तू यो है देखिए, इस समय देखेंगी छोरी मैल भी तो नहीं लिया रखा है, तो नहीं लिया रखा है तेरे की हो रहा है, मेरी चुन्नी दे फिर, मेरी चुन्नी दे दे अरे कोरोना वायरस फैला के जाएगी, कोरोना हो गया ये वो देख लो कानिया खाला तो यार टी शर्ट पहन रही है एक आंख पैट रही है, अरे यार देखियो एक कानी आंख है मत पाड़ूंगी पट्टे और दिखेगा तो या चुंदड़ी ना उड़े, ये चुंदड़ी तो मेरी वाली चल रहा है पीले सूट के।
लिया के दिए एक टिकला एक बार वो जो मेरी येलो सूट की है भारे चुनी एक बार दिए एक बार शॉर्ट्स बनाऊंगी मेरी सासू के सुतरे सुतरे एक बार लिया या छा जा मन कर यूट्यूब देखने लायक जे मेरा को किसने बैड में किधरी थी आड़ा उर ले मैं पाओगी यो किसने दिया था यो तो मौसी मामी ने नहीं दिया था सीमान है सीमान दिया था यो हैं कद का शमुआ गांव में है ये अच्छा क्या का लेके आई थी बतरा क्या पाके मरावा ले आई यो ले आई थी या चुन्नी गेर मा माँ ए माँ ए माँ प्लीज माँ प्लीज देखियो माँ सुतरी डाला पकड़े एक बार आइए रे आगे ने ए माँ के ना ये देखिए सुतरी लगी जमा पटाका वर्गी लागे तू तो ए करिए सेट मेरी सासू की जिन्हों तो ब्याह मजा है यार घूम जा माँ एक बार पकड़ कर ना चुन्नी ने घूम जा घूमी एक बार ए जमाई ना कुंड नहीं कह देख यार 50-60 साल की बताइयो ठीक तरह इसमें क्या कमी है 100 रुपये किसे माई में कह रुपये की है 100 में 100 में पक्का है यूं तो सही नहीं सुथरा इसे मैं देगी थी त्रित त्रिभा भी मोजरा का त्रित हो अरे तो चंडीगढ़ कब जाएगी मैं क्यों बोल कहूँ तू ये कहती है चंडीगढ़ जाएंगे हैं सासू का हो गया चुंदड़िया का टोटा इन्हें चुंदड़ी नहीं पा रही कितने अभी कदे कोसाई रंग का डे कदे कोसाई रंग का डे का समझता बाहर हो लिया सब कुछ है सारी मैच कर कर के देखा है हूँ दिखे बुढ़ी से पर जमा मैचिंग में ना पैर है कोई ना ठीक हो गया होगा शीशे में देखने लायक रही है ए छिकली तो छिका लगवा लेना अपने नाक का घूम जा हाँ घूम 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 जा और घूम जा लिखा ले अपना मुंह फेरते हाँ ठीक शाम के बज चुके हैं 4 और मैंने दूध को रख दिया उबलने और इधर मैं मेरी सास के लिए और मेरी सास की एक दोस्त आई है उसके लिए और अपने लिए चाय बनानी रख दी है और यहाँ पे ये देखिए ये बिस्किट है उनके लिए और 2 चाय के कप हैं परी और छवि जो है पढ़ाई कर रही है मम्मी दे दो क्या ये दूध मांग रही पर इसका ना डॉक्टर ने दूध बंद कर भाग जा दोस्तों रात का काम हो चुका है सारा का सारा कंप्लीट तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारी फैमिली अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और एक नए ब्लॉग के लिए तैयार रहें क्योंकि अब हर रोज़ मिलता रहेगा आपको एक नया ब्लॉग तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ टिल देन बाय राम राम yeah. दादी से चूरमा बनवा रही है मैं भी एक चूरमा नहीं है मम्मी मैं दो एक भी एक लड्डू दे एक भी ना दूं एक रोटी और ले दे एक ले आऊंगी एक और एक भी ना दूं और 2 रोटियां का तेरा एक ली का ना बेटा नहीं मम्मी रोटी भी तो मोटी है रोटी भी तो देख मेरा 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 चूरमा बना रही है घी डाल दिया घी डाल दिया है डाल दो मेरा चूरमा मेरा एक दूंगा एक ही तो चाहिए मुझे लड्डू मैं बनाऊंगा दादी मैं 2 नहीं मांगी पर मैं एक ही मांगूंगी मैं लड्डू बनाऊंगी ओके पर ये क्या कर रही है तो तू ये क्या कर रही है अच्छा लड्डू बना रही है कर मांगा था लास्ट में लूंगी अभी ले ले एक बार रख दे मैं खाना खाने के बाद ले लूंगी पापा आ गए हाँ जी अच्छा आप तो जल्दी आ गए वीडियो बनाओ तेरी हाँ जी आ गया जी आ गया पोता मम्मी क्या मम्मी आप ये किसका खाना ले आए दादा का
लो दादा बैठ जाओ। यहाँ तो बाबू की शक्कर दे दीजिए। साथ में क्या है? कड़ी पकौड़ा रोटी, साथ में क्या है दादा? घी। हाँ जी, घी।